Good morning, everybody. How are you all? This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Our today's topic is participles. As you know, we have three participles in English grammar: present participle, past participle, and perfect participles. अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Right? Present participle में थोड़ी बहुत ज्यादा बातें हैं बताने लायक, इसीलिए आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे. जो बाकी पार्टिसिपल्स हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, उसे मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके साथ शेयर. ठीक है, तो हियर वी गो. प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल होता क्या है? जब हम किसी वर्ब को आमतौर से एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. जब हम किसी वर्ब को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब वर्ब न रहकर पार्टिसिपल बन जाता है. इज इट क्लियर? जब हम किसी वर्ब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ब वर्ब न रहकर क्या बन जाता है? पार्टिसिपल बन जाता है. तो यहां पहला रूल देखते हैं. आई सॉ अ गर्ल इन द स्ट्रीट. आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है. उसमें चॉइस दी जाती है और एक ब्लैंक दिया जाता है. इनमें से चूज करके हमें जो राइट ऑप्शन है वो रखना पड़ता है. इसका रूल ये है कि आमतौर से जब ए या एन होता है किसी सेंटेंस में और बाद में होता है नाउन, तो उन दोनों के बीच में क्या आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. यहां देख सकते हैं क्राई, क्राइड, क्राई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. फिर सुन लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और वो काम किसका करता है? एडजेक्टिव का काम करता है. तो यहां पर यही आएगा. आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ क्राइंग गर्ल, आई सॉ अ क्राइंग गर्ल इन द स्ट्रीट. मैंने एक रोती हुई लड़की को देखा गली के अंदर. दूसरा देखें, यहां पर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है. हियर इज अ नाउन एंड हियर इज अ. आई सॉ अ डैश बॉल, रोल, रोलिंग एंड रोल. तो क्या आएगा? रोलिंग आएगा. आई सॉ अ रोलिंग बॉल. इज इट क्लियर? तीसरा देखें, ये भी यही कंडीशन पूरी कर रहा है. यहां पर क्लाउन है और यहां पर अ है, तो वी सॉ अ लाफिंग लाफिंग क्लाउन इन द सर्कस. क्लाउन आपको मालूम होगा, जो सर्कस के अंदर जोकर होता है ना, उसको हम कहते हैं क्लाउन, जो हंसाता रहता है आमतौर से. तो वी सॉ अ लाफिंग, ये वाला आएगा, लाफिंग क्लाउन इन द सर्कस. एग्जाम में आमतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है. ये देखिए दूसरा वाला रूल, वर्ब ऑफ सेंसेस. हमारी कुछ सेंसेस होती है, जैसे आई, देखना, सुनना, टेस्ट करना, राइट? तो सी, वॉच, ऑब्जर्व, लुक, टेस्ट, नोटेड. ऑब्जर्व दोबारा आ गया. देखिएगा, आई सॉ हर. जब हम इस तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल करेंगे. आई सॉ हर ईटिंग मैंगोस, मैंने उसको आम खाते हुए देखा. वी सॉ सेलेक्टर्स, हमने देखा सेलेक्टर्स को लुकिंग विराट कोहली परफॉर्मेंस. जो क्या कर रहे थे? विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देख रहे थे. लुकिंग विराट कोहली परफॉर्मेंस. तो वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ भी आमतौर से प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है. नाउ वी कम टू द रूल नंबर थ्री. देखिए ये सेंटेंस है, ही वॉच अ क्रिकेट मैच एंजॉइंग पीनट्स. पीनट्स कहते हैं मूंगफली को. यहां पर बेसिकली एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के जरिए दो एक्शन हो रहे हैं. टू एक्शन आर देयर बाय वन सब्जेक्ट. ही वॉच अ क्रिकेट मैच, ही वॉच, इसे ईडी कर ले, ही वॉच अ क्रिकेट मैच, उसने क्रिकेट मैच देखा क्या करते हुए? एंजॉइंग पीनट्स. तो जो ये बाद वाला एक्शन है ना, इसमें हम आमतौर से प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. ही वॉच अ क्रिकेट मैच भी देख रहा है और मूंगफली भी खा रहा है साथ साथ, राइट? टू एक्शंस बाय अ सिंगल सब्जेक्ट, ये भी याद रखिए आप. तो ही वॉच अ क्रिकेट मैच एंजॉइंग पीनट्स, पीनट्स भी खा रहा था और क्रिकेट मैच भी देख रहा था. तो बाद वाले एक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल.
दूसरा सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस, शी एट हर लंच वॉचिंग टीवी, वो अपना लंच भी ले रही थी यानी कि भोजन कर रही थी दोपहर का, वॉचिंग टीवी और साथ साथ में टीवी भी देख रही थी। तो यहां भी एक ही सब्जेक्ट के जरिए दो एक्शंस हो रहे हैं एक ही वक्त में, तो बाद वाले एक्शन से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखें, वी वॉश द क्लोथ्स, हमने कपड़े भी धोए और साथ साथ में क्या भी किया, लिसनिंग म्यूजिक और साथ साथ हम संगीत भी सुनते रहे, संगीत सुनते रहे और कपड़े भी धोते रहे, तो टू एक्शंस एट द सेम टाइम बाय सिंगल सब्जेक्ट। तो बाद वाले एक्शन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक रूल इसका ये भी है। अब देखिए फोर्थ रूल, सीन द पुलिस द थीफ रैन अवे, यहां पर ये है कि एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं, इसमें कोई टाइम गैप भी ज्यादा नहीं है, पुलिस का और चोर ने क्या किया, वो भाग पड़ा, देखते ही भाग पड़ा, इधर देखा और इधर भागा, तो एक ही वक्त में लगभग दोनों काम हुए हैं, इसमें टाइम गैप जो है वो ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम जो हमारा फर्स्ट वाला एक्शन होता है उससे पहले, यहां पर तो सेकेंड एक्शन था ध्यान रखिए, और यहां पर फर्स्ट एक्शन से पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। इज इट क्लियर? टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू राइट, तुम जैसे ही दाईं तरफ मुड़ोगे, यू विल सी द क्लॉक टावर, तुम्हें क्या दिखाई देगा, घंटाघर दिखाई देगा, चौराहा जो होता है घंटाघर। तो टर्निंग, जैसे ही आप राइट साइड मुड़े वैसे ही आपको दिखाई दे दिया। तो ये भी जो काम हुआ है एक ही वक्त में दोनों काम हुए हैं, इसमें टाइम गैप ज्यादा नहीं है, साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त में हुए हैं। टर्निंग टू द राइट, टू राइट, यू विल सी द क्लॉक टावर, जैसे ही तुम मुड़ोगे ना वैसे ही तुम्हें क्लॉक टावर दिखाई दे जाएगा। साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में लगभग दोनों काम हो रहे हैं, और जब एक ही वक्त में दोनों काम होते हैं विदाउट टाइम गैप, याद रखिए विदाउट टाइम गैप, उसमें हम पहले वाला जो एक्शन है उससे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड सेंटेंस, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही द चाइल्ड वोक अप, बच्चा जाग गया, इधर शोर सुना और उधर उसकी आंख खुल गई। तो ये भी साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में विदाउट टाइम गैप दो काम हो रहे हैं, तो पहले वाले एक्शन के बाद में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, इसमें एक और आता है, इज एम आर, इज एम आर या वॉज बर, जब पहले एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन वजूद में आता है तो हम, और इज एम आर भी हो वहां पर, फिर सुन लें, जब पहले एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन वजूद में आता है यानी पहला एक्शन दूसरे एक्शन का कारण बनता है, और वहां पर इज एम आर वॉज वर, ये काय की फॉर्म है मालूम है आपको, ये बी की फॉर्म होती है, बी बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो तो है इज एम और आर, और जो पास्ट फॉर्म है बी की वो होती है वॉज वर। जैसे ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा ध्यान दीजिए, और ही एट बिस्किट्स, ये सेंटेंस है, ही वॉज हंग्री ही एट बिस्किट्स, वो भूखा था उसने क्या खाए, बिस्किट्स खाए। तो यहां पर जो मैंने बताया था वो याद रखिए, चौथा रूल है कि यहां पर जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन की वजह से घटित हुआ है और इसमें वॉज भी है, तो इज एम आर वॉज वर अगर होगा, दो एक्शन हुए हैं और दूसरा एक्शन जो है वो पहले एक्शन की वजह से हुआ है, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, बी, बी ई आई एन जी, बी ई आई एन जी, बीइंग हंगरी हो जाएगा, बीइंग हंगरी ही एट बिस्किट्स, बीइंग हंगरी ही एट बिस्किट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ये आपके समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो कम से कम दो या तीन बार देखिएगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो। ओके, मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।
पहले लेकिन आपके लिए मैं कंप्लीट कराऊंगा पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, दिस ऑल फॉर द डे.